नमस्कार, टेक ए टू जेड चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सैमसंग इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में गैस लीक करेंगे। चलो आइए देखते हैं। इसका ये कूलिंग कॉइल है, इसमें जो आइस दिख रही है इसको हम मेल कर रहे हैं ताकि बराबर आइस फिर से लेयर बने। ये तो ये प्रॉब्लम करता है आगे चल के डिफ्रॉस्टिंग में। ये आप देख रहे हैं इसका ड्रायर है, इसे फिल्टर भी बोलते हैं। इस पॉइंट से गैस लीक हुई है, इधर से अगर गैस लीक होती है तो ये डिस्चार्ज लाइन पॉइंट होता है, यहाँ से बहुत तेज़ी से गैस लीक करती है। ये बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ड्राई है। जिस पॉइंट से गैस लीक करती है वो आयली हो जाता है, ये बिल्कुल ड्राई है। इस इट मीन यहाँ से गैस लीक नहीं है। इसके जॉइंट्स हैं, दूसरे जॉइंट्स की तरफ हम देखते हैं। जितने जॉइंट्स हैं हम सारे जॉइंट्स को चेक करेंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक सब दिख रहा है ये सक्शन लाइन है, इस जॉइंट से भी लीकेज लग रही है, इसे भी हम रिपेयर करेंगे। और ये हमारा चार्जिंग लाइन है। चलिए अब हम इसको लीकेज को बंद करते हैं। जहाँ जहाँ लीकेज हैं वहाँ हम ग्रेजिंग के थ्रू लीकेज को बंद करेंगे। पहले हम जो भी जॉइंट है उसका हम कार्बन को हटाएंगे। अगर अच्छी तरीके से कार्बन नहीं हटाते हैं तो हमारा टांका ठीक से नहीं लगता है, जॉइंट्स प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, इसलिए कार्बन को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम टांका लगा रहे हैं इसमें। देखिए ये हम अंदर वाले पॉइंट्स जो जॉइंट्स है लीकेज है उसको हम बंद कर रहे हैं टांका लगा के। इसमें हमें अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड यूज़ करना होता है। ये जो हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इस इलेक्ट्रोड में बिल्कुल भी कार्बन नहीं होता है। आजकल मार्केट में वो ब्लैक रॉड आती है उसमें ढेर सारे कार्बन होते हैं, उससे ये अच्छी इलेक्ट्रोड रॉड है। अब हम इस ड्रायर पे को जॉइंट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, साथ में हम फ्लक्स भी यूज कर रहे हैं। फ्लक्स जो है वो कार्बन को हटा देता है, जो थोड़ा बहुत कार्बन बच जाता है साफ करने के बावजूद। अब हमने